Now we will learn about individual learning abilities of early childhood children and how to tackle the, with these learning abilities. So instruction refers to intentional teaching methods, something that teachers do or say considered to be instruction. जो कुछ असाध्वार बच्चों को बता रहे होते हैं करने के लिए या कोई मालूमात दे रहे होते हैं कोई इनफॉरमेशन देते हैं कोई हिदायत देते हैं ये सब की सब इंस्ट्रक्शन है द प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअलाइजिंग इंस्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ फोर प्राइमरी स्टेप्स अब देखिए हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल individual और इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन की जब हम बात करते हैं डाइवर्सिटी की कि बच्चे मुख्तलिफ होते हैं तो हमें फिर ये भी तस्लीम करना पड़ना पड़ेगा कि हर बच्चे को मुख्तलिफ तरह से इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए मसलन हमने लर्निंग स्टाइल्स पर भी बात की कि कुछ हमारे विजुअल जो स्टाइल रखते हैं बच्चे सीखने का कुछ जो है वो वर्बल स्टाइल से सीखते हैं कुछ आपके कैनस्थेटिकली सीखते हैं तो जब बच्चे मुख्तलि तरह से सीखते हैं तो उस्ताद की इंस्ट्रक्शन भी लाजमन मुख्तलफ तरह से होनी चाहिए तो हमें जो बड़ी बातें जो है जो बच्चे की को समझने के लिए और उसको इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन देने के लिए कि जैसे जिस बच्चे के अंदर जो ख़ास बात है उसको उसी तरीके से उस ख़ास बात का फ़ायदा उठाते हुए उसी के मुताबिक उसको इंस्ट्रक्शन दी जाए उसके लिए सबसे पहले क्या जरूरी है गेट टू नो ईच चाइल्ड्स इंटरेस्ट नीड्स एंड एबिलिटीज भाई आप सबसे पहले तो जाने कि हमारे बच्चे की क्या मफादा क्या उसकी पसंद नापसंद है वो सीखता कैसे है और उसके उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है उसकी वीकनेसेस क्या हैं बच्चे को जानेंगे तभी उसको इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन दे सकेंगे ना फिर है ग्रेट अपॉर्चुनिटीज अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्निंग दैट बिल्ड ऑन चिल्ड्रंस इंटरेस्ट अब देखिए जिस बच्चे को जिस चीज में दिलचस्पी है उसको उसी तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हमें देना है ठीक है तो अगर हम हमें पता नहीं होगा कि बच्चे किस चीज़ को पसंद करते हैं किसको नापसंद करते हैं कैसे सीखना उनको अच्छा लगता है तब तक हम उनके उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकते जिसके बेसिस पे वो अच्छा सीख सकें फिर स्कैप फॉर चिल्ड्रन लर्निंग थ्रू सपोर्टिव इंटरेक्शन स्कैप फोल्डिंग एक खास टर्म है जो हमें विदोसकी ने दी है कि भाई आपने कुछ स्ट्रक्चर बच्चे को देना है कोई गाइडलाइन देनी है जैसे कोई नक्शा बना के हम दिखा रहे हों तरतीब दे रहे हों कोई फ्लो चार्ट बना रहे हों कोई ग्रिड बना रहे हों या बच्चे को बता रहे हैं पहले आप ऐसे करेंगे फिर आप ऐसा करेंगे और फिर इस तरह तीसरा स्टेप है तो स्टेप वाइज वाइज कुछ चीज़ें सिखाई जाए और साथ साथ बच्चा कुछ हिस्सा खुद करेगा कुछ आप बताएंगे कुछ फिर वो खुद करेगा इस सारे प्रोसेस को स्केफ फोल्डिंग कहते हैं तो जब किसी एक बच्चे के साथ काम करना है इंडिविजुअली तो हमें स्कैफ फोल्डिंग करना आनी चाहिए फिर है मोनिटर चिल्ड्रंस प्रोग्रेस टूवर्ड अचीविंग इम्पॉर्टेंट गोल्स अब देखिए कि हर बच्चे के लिए आपने कुछ गोल्स डिफाइन कर दिए या आपने कमलेटिवली मजमुई तौर पर कोई गोल डिफाइन कर दिया तो ऐसी सूरत में भी आपने साथ साथ मोनीटर करते रहना है मतलब जैसे अमूमन होता है कि बच्चों को कुछ लिखने के लिए दे दिया या कोई टॉय जो है वो बिल्ड करने के लिए दे दिया तो अब बच्चे बना रहे हैं और उस्ताद उनके इर्द गिर्द फिर रहा है वो देखता है कि फ़लह बच्चा ठीक से नहीं बना पा रहा तो उसको कुछ ब्लॉक्स उठा के दिए जाते हैं कि अच्छा इसको ऐसे रखेंगे तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा तो आप क्या कर रहे हैं आप उसको मोनिटर कर रहे हैं और फॉर्मेटिवली उसकी इंप्रूवमेंट कर रहे हैं फिर इंडिविजुअलाइज एजुकेशन के लिए इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम्स होते हैं यानी फ़र्ज़ करें हमारे पास तीस बच्चा है क्लास के अंदर और हम देखते हैं कि उनमें से पाँच बच्चे ऐसे हैं जो रीडिंग में या राइटिंग में कमज़ोर हैं या उनके सोशली उनके कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं वो उनके फ्रेंड्स ज़्यादा नहीं हैं वो एलूफनेस उनके अंदर आ गई है तो आप उन पांच बच्चों को अलग से बिठाएंगे और उनके साथ अलग एक्टिविटी करेंगे हो सकता है आप उनका कोई ग्रुप बना दें हो सकता है उनके लिए कुछ रीडिंग एक्स्ट्रा क्लासेस दे सबसे पहली बात जो हमने कही थी इंडिविजुअल लर्निंग में वो यही कही थी कि आप इनको एक्स्ट्रा वक्त देंगे क्योंकि बच्चे को अगर इंडिविजुअली सिखाना है जो उसने क्लास में नहीं सीखा या दूसरों के साथ नहीं सीख पा रहा तो फिर आपको उसको इजाफी वक्त देना पड़ेगा तो आप उसको वक्त देंगे फिर आप उसको सपोर्ट करेंगे जो भी वो एक्टिविटी कर रहा है उसको सपोर्ट देंगे उस वक्त तक जब तक के वो गोल या आउटकम जो है वो अचीव नहीं हो जाता तो इसके लिए बहुत सी ऐसी लर्निंग स्ट्रैटजीज़ हैं जो इंडिविजुअल की जैसे कुछ वर्कशीट्स हैं वो ख़ास बच्चों के लिए दी जाती हैं अब एक बात जैसे ज़रूरी नहीं कि कुछ बच्चे ज़्यादा कमज़ोर ही हों कुछ बच्चे फतीन भी होते हैं जो अबव एवरेज होते हैं उनको भी इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है कि उनको कुछ एक्स्ट्रा इस तरह का दिया जाए कि जब वो बाकी के साथ काम ख़त्म करके बोर हो के बैठे हैं और फिर शोर मचाते हैं या डिसिप्लिन प्रॉब्लम करते हैं तो उनके पास भी कोई ऐसा काम हो जिसमें वो मशहूल रहें उनके काम को भी मोनिटर किया जाना चाहिए और उनको उनकी अक्ल और उनकी समझ या उनके मिजाज के मुताबिक चीज़ें जो हैं वो फराहम की जानी चाहिए तो दोनों तरफ डाइवर्सिटी का यही मतलब है ना कि कोई किसी ना किसी खसूसियत में आगे है या कोई पीछे है तो जब हम इस उनको इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन देंगे तो हम डाइवर्सिटी को मिटिगेट कर सकते हैं हम उनको एक सतह पे लाने की कोशिश करेंगे ताकि उनके जो डेवलपमेंट के पैटर्न्स हैं वो नॉर्मल हो सकें